हाँ जी, देखिए तो अपन एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, सीएसआईआर नेट जून 2023 का, क्वांटम मैकेनिक्स का, ठीक है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू आपसे पूछा हुआ है। अगर आपको कुछ बेसिक चीजें पता है, ठीक है, अगर आपको वन डायमेंशन बॉक्स के जो मैंने शॉर्ट शॉर्ट फॉर्मूले आपको लिखवाए थे, कॉन्सेप्ट आपको लिखवाए थे, अगर वो आपको पता है तो आप आराम से इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी बना सकते हैं। 5 मार्क्स का क्वेश्चन, दैट इज आस्क्ड इन पार्ट सी। ओके, ये पार्ट सी के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन था। पार्ट सी क्या है क्वेश्चन, देखो, टू डिस्टिंग्विशेबल नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स ईच ऑफ मास एम आर इन वन डायमेंशनल इनफाइनाइट स्क्वायर वेल, ठीक है ना, ऑफ इंटरवल 0 to 8, ठीक है? तो आपको देखो ऐसा बोला हुआ है ना, तो सबसे पहले आप ये काम करो, अगर ऐसा करोगे तो आप क्वेश्चन आराम से अप्रोच कर पाओगे, ठीक है ना? ये आपसे बोला हुआ है, कितने पार्टिकल्स हैं, 2 पार्टिकल्स हैं, ऐसे पार्टिकल्स जिसको अपन पहचान सकते हैं, ठीक है? इफ एक्स वन एंड एक्स टू आर द पोजिशन ऑपरेटर ऑफ द टू पार्टिकल्स, द एक्सपेक्टेशन वैल्यू एक्स वन एक्स टू इन द स्टेट इन विच वन पार्टिकल आर इज इन द ग्राउंड स्टेट, ठीक है? ये मैं बोल देता हूँ, दिस इज एन बराबर वन, और ये हो गया तुम्हारे पास में फॉर एग्जाम्पल एन बराबर टू, ठीक है ना? और दूसरा पार्टिकल क्या है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में है, मतलब एक तो मैंने मान लिया यहाँ पे एक्स वन मान लिया इसको, और इसको मैंने बोल दिया फॉर एग्जाम्पल ये एक्स टू हो गया। ऐसा ही है क्वेश्चन के अंदर, देखो तो क्या इसका वेव फंक्शन लिख सकते हो आप लोग, तो क्या इसका वेव फंक्शन लिख सकते हो, देखो साई यहाँ पे लिख सकता हूं मैं, जो साई होगा साई एक्स, ठीक है, या साई टोटल बोल दो, ये क्या होगा तुम्हारे पास में, इसका वेव फंक्शन क्या होगा, अंडर रूट 2/a, और इसका भी अंडर रूट 2/a, तो ये हो जाएगा 2/a, ठीक है, और ये हो जाएगा साइन पाई एक्स अपॉन में a, इसको x1 बोल दो, और ये हो जाएगा साइन 2πx2 अपॉन में a, ये लीजिएगा, ये वेव फंक्शन हो गया। तुमसे क्या पूछा हुआ है, तुमसे पूछा हुआ है नाउ इसी वेव फंक्शन के अंदर x1 x2 का एक्सपेक्टेशन, यानी कि साई x1 x2 साई, देखो ऐसे ही तो पूछा हुआ है तुमसे, ठीक है? और इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, देखो That is, ध्यान से देखिएगा, that is, इस ये x1 x2 है, हो गया ना तुम्हारे पास में, इसको एक काम करो ऐसा लिख देते हैं साई स्टार x1 x2 साई dx इंटीग्रेशन, ठीक है, ये dx1 dx2 हो जाएगा। अच्छा एक काम करते हैं ना, इसको अलग अलग कर लेते हैं, रुको इसको अलग अलग कर लेते हैं, ये हो जाएगा देखो साई x1 साई, ठीक है, ऐसे ही इंटू में साई x2 साई, ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है? इसमें कोई दिक्कत किसी को, ठीक है? चलो अब देखो ध्यान से, ये साई हो गया ना तुम्हारे पास में, रुको एक सेकेंड, दिस वन इज, ये साई तुम्हारे पास में दो बार लिखा जाएगा ना, ठीक है, एक सेकेंड रुको, देखो इसको इसको अपन ऐसा नहीं लिख सकते, एक सेकेंड रुको, इसको अपन ऐसा लिखते हैं, इसको एक काम करते हैं, दैट इज इसको मैं लिखता हूं साई स्टार x1 x2 साई dx इंटीग्रेशन, ऐसा कर सकते हैं क्या, इसको देखो ध्यान से, ऐसा कर सकते हैं, साई टोटल बोल दो इसको, और एक काम करो यहां पे देखो x1 x2 आ रहा है ना, तो इसको आप dx1 इंटू में dx2 लिख दो, ऐसा कर सकते हैं ना, देखो ठीक है। अब देखो ध्यान से एक बार देखिएगा, तुम्हारे पास साई स्टार का वैल्यू कितना है, साई स्टार का वैल्यू मैं रखता हूं, ये सेम रहेगा ना, तो देखो 2/a साइन पाई x1/a साइन पाई x2 2πx2 अपॉन में a, है ना? एक काम करता हूं मैं इसका भी स्क्वायर कर देता हूं, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, क्योंकि देखो ये दो बार आ रहा है ना तुम्हारे पास में, और साथ में इंटू में x1 x2 dx1 dx2, ये देखो। अब मैं यहां पे क्या करता हूं, देखो ध्यान से मैं इसको ऐसा लिखता हूं, दैट इज 2/a, इसको एक तरफ लिख लिया मैंने, और ये हो गया तुम्हारे पास में साइन स्क्वायर पाई x1 अपॉन में a dx1, लिख सकता हूं ऐसे, इंटीग्रेशन 0 से a इनटू में 2/a, ठीक है, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 2πx2/a, और ये हो जाएगा तुम्हारे पास में dx2 0 से a, ठीक है? तो एक्चुअल में ये बन क्या रहा है, देखो ये एक्चुअल में बन क्या रहा है तुम्हारे पास में, ये पूरा जो बन रहा है ना, ये बन रहा है एक तरह से साई 1 x1 साई 1, ठीक है, और ये वाला क्या बन रहा है तुम्हारे पास में साई 2 x2 साई 2, और मैंने आपको लिखवाया होगा फॉर वन डायमेंशन बॉक्स, फॉर वन डायमेंशन बॉक्स अगर आपके पास में साई x साई पूछता है किसी भी स्टेट के अंदर और उसका विड्थ तुम्हारे पास 0 से a होता है, तो
तो ये जस्ट क्या हो जाता है, उसका हाफ आधा हो जाता है। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी भाई, ए बाई टू, चाहे वो ग्राउंड स्टेट में हो, चाहे वो फर्स्ट में हो, चाहे वो सेकंड में हो, क्योंकि एंथ के लिए फॉर्मूला लगता है। ये भी क्या होगा तुम्हारे पास में, ए बाई टू, तो कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में, ए स्क्वायर बाई फोर। तो ऐसा कोई ऑप्शन मिल रहा है तुम्हें, ए स्क्वायर बाई फोर। एक सेकेंड देखिएगा, ए स्क्वायर बाई फोर, देखो सी ऑप्शन आपको मिल रहा है ना, सी ऑप्शन तुम्हारे पास में ए स्क्वायर बाई फोर ही है, ठीक है। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा तुम्हारे पास में, वो हो जाएगा तुम्हारे पास में ए स्क्वायर बाई फोर, सी ऑप्शन इसे करना, ठीक है। तो देखो पार्ट सी के अंदर पूछा हुआ था, और ये भी मतलब ठीक है, आप इंटीग्रेशन भी इसका सोल्व कर सकते हो, लेकिन अगर आपको बेसिक चीजें पता हो ना, तो आप डायरेक्टली यहां से अप्रोच कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप ये आपका क्लियर हो गया होगा। किसी को कोई रिकॉर्डेड बैच लेना है, सीएसएआर नेट का, जैम का बैच लेना है, असिस्टेंट प्रोफेसर का बैच लेना है, टेस्ट सीरीज लेनी है, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए रखे हैं, वहां से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या फिर एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा एक्सप्लोर फिजिक्स बाय हिमांशु, वहां पे आपको डिटेलिंग सबकी मिल जाएगी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।